भाईजान मैंने कहा था ना आज विराट नहीं चलेगा। अरे बच गए आप लोग बारिश में, बारिश में बचा लिया। पूरा मायूस किया, मायूस किया। बिग डिसअपॉइंटमेंट, वी हैव कम फ्रॉम इंडिया स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर मैच ओनली, यू नो, फ्रॉम गोवा फॉर दिस पर्टिकुलर मैच ओनली, एंड with this rain conditions have completely put Babar Azam. We are missing Babar Azam's innings. I think to be honest, it would be in favor of Pakistan, but we thought if Siraj performs well, it would be 50-50. I think so. Is jada barish hai jo uske liye Pakistan jeeta hai today. शाहीन की बॉलिंग, हम तो इतना अच्छा खेल रहे थे, हमें तो पूरे इतना थे कि आराम से ये रन बन जाएंगे। इंडिया बच गया, बच गया, बच गया, बिल्कुल शाहीन बेहतरीन बॉलर है। आपको लगता है कि बारिश ने इंडिया को बचा लिया? 100% पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान वुड हैव वन दिस मैच इजीली। बहुत सारे फैंस हैं जो इंडियन फैन कह रहे हैं कि बारिश ने पाकिस्तानियों को भी बचा लिया। की चीज ये तो सबके सामने है, सबके सामने कौन सा शो ओवर नहीं खेलने दिए, वी गॉट देम आउट। इंडिया वालों के लिए वी गॉट देम आउट अंडर 50 ओवर्स, वी डिडंट लेट देम प्ले। बच गया इंडिया। आएंगे रेन ने कितना डिसअपॉइंटेड किया। बस हमें ये खुशी हुई है कि नसीम शाह ने विकेटें ली थी, उसके अलावा पाकिस्तान की तो हम बैटिंग एंजॉय कर ही नहीं सके नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह। तो जो शाहीन ने रोहित को और विराट को आउट किया, उसके आप क्या कहेंगे? उसमें बस मैं ये कहूँगी बल्ले हो गया, शहजादा है वसीम तो। और रेन ने कितना आपको मायूस किया? बहुत ज़्यादा, बहुत थक भी गए थे। क्रिकेट जो है अब वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, उन्हें किसी सूरत में अच्छा तवन दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो वापस जा रहे हैं। और बारिश भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तेज़ होती जा रही है, पहले तो ड्रिजलिंग थी, अब पूरी प्रॉपर बारिश हो रही है। सर बात करेंगे प्लीज़। हाँ बोलिए। कितना मैच ने आज आपको डिसअपॉइंट किया? कोई नहीं यार, होते रहता है, पता तो था ही बारिश होने वाली है, लेकिन यार बहुत मज़ा आता अगर पूरा मैच कंप्लीट होता तो। अभी तो चल रहा था मैच तो। हाँ, और ऐसा एक होप भी था कि हो जाएगा वापस चालू, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। अभी भी तकरीबन 50% चांस है T20 मैच होने। अब तो अच्छा ना ही हो, अगर हो जाए तो मसला हो जाएगा। थैंक यू। अब ऑफिशियली जो है वो मैच ख़त्म होने का ऐलान कर दिया है, हमारे दोस्त ने बताया कि ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है। और शाइकीन की एक बड़ी तादाद जो है अब वो स्टेडियम से बाहर आ रही है, कुछ चेहरे कुछ भी हैं, कुछ मायूस भी नज़र आ रहे हैं। अब मायूस तो वो होंगे कि जो मैच को पूरा होता देखना चाहते थे, पर खुश वो होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि शायद कोई इससे अच्छा रिजल्ट निकला है किसी भी टीम की। इंडियंस वाले समझ रहे होंगे कि इंडियंस के हक में निकलेगा, और पाकिस्तानी समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान की फेवर में। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो एक डेथलेस सिस्टम है, इसको इसमें नुकसान उमूमन जिसकी बैटिंग होती है उसका। बारिश ने क्या किया? सर कितनी मायूसी हुई बारिश से? अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। और जितना मैच था कैसा लगा मैच? मैच का ये था कि इंडिया ने अच्छा टारगेट सेट किया था पाकिस्तान के लिए, जैसे फर्स्ट टाइम पे तो ऐसे लग रहा था कि इंडियन टीम में भी 200 भी क्रॉस ना कर सके। आफ्टर दैट दे मेड अ कमबैक एंड गेव अ गुड फाइटिंग स्कोर टू पाकिस्तान। तो अब क्या डिमांड करते हैं कि ये मैच कल होना चाहिए कि बस एक एक पॉइंट दे देना चाहिए? एक एक पॉइंट दे देना चाहिए, क्योंकि हम तो कल वापस जा रहे हैं। आप बताए आप कितनी मायूस हुई है इसकी? मैं बहुत ज़्यादा मायूस हुई हूँ, मैं तो अभी भी होप कर रही हूँ कि क्या पता ये बारिश रुक जाए और मैच शुरू हो जाए। नहीं, अब तो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि एक पॉइंट बस, अब हमारा यहाँ आना फजूल रहा। थैंक यू।